दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो आज की बड़ी खास होने वाली है क्योंकि ये बहुत लोगों से संबंधित है, बहुत मरीजों के समस्या से संबंधित है। दोस्तों मेरे को कई साल प्रैक्टिस करते होंगे और तकरीबन हर हफ्ते 4 से 5 लोग ऐसे आते हैं कि जिनको हमने कई सारी दवाई दी, सिम्टम के आधार पे कुछ समय के लिए उनको आराम हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद फिर से वो बीमार हो जाते हैं। उनकी कंप्लेंट भी अजीबोगरीब होती है। कभी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब मेरा पेट ठीक है, फिर 4 दिन बाद वो कहते हैं कि मेरा पेट ख़राब है और मुझे लूज मोशन लग रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पेट में गैस बहुत बनती है, पेट में अफारा आता है। फिर वो कुछ समय ठीक रहते हैं, फिर कहते हैं कि डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है, लेट्रिन 2 से 3 बार चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो कई दिनों से कब्ज हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सर में दर्द है। तो इस तरीके की न जाने कितनी सारी कंप्लेंट्स वो लेके आते हैं और कई बार कहते हैं कि पेट में सूजन आ रही है और पेट दुखता है, जहाँ से भी छूते हैं वहाँ से पेट दुखता है। कभी कहते हैं कि भूख बहुत अच्छी लग रही है, कभी कहते हैं कि पानी की प्यास अच्छी नहीं लग रही है, और कभी कहते हैं कि पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है खाना खाने के बाद। तो ये इस तरीके की 7-8 कंप्लेंट हैं जो ऑल्टरनेट चलती रहती हैं। कभी उन्हें डायरिया हो जाता है, कभी दस्त लग जाते हैं, और कुछ पेशेंट तो ये तक बताते हैं हमें कि डॉक्टर साहब कई बार लेट्रिन में आँव भी आती है। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए जो खास करके फिर काफ़ी समय के बाद मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया जो मैं पेशेंटों को देता हूँ और उससे काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक रहते हैं। इनमें कुछ पेशेंट हो सकता है कि वो डायबिटिक हों, डायबिटीज में डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है, हो सकता है कि कुछ पेशेंट ओबीज हों, मोटे हों, हो सकता है कि कुछ पेशेंट किसी और समस्या के लिए कोई एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या कोई भी दवाई लगातार ले रहे हों। तो इन सारी समस्याओं को, इन सारी प्रॉब्लम्स को जॉइंट करके कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उस दवाई का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये अल्टरनेट होने वाली समस्याएं, कभी दस्त लगना, कभी कब्ज बनना, कभी पेट फूलना, कभी गैस बनना, कभी पेट में दुखन होना, इस तरीके की समस्याएँ, कभी पेट में सूजन आना, इस तरीके की समस्याएँ धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। दोस्तों पहली दवाई का नाम है चेलिडोनियम मेजस मदर टिंचर, दूसरी दवाई का नाम है कार्डवस मदर टिंचर, तीसरी दवाई का नाम है कालमेघ मदर टिंचर, और चौथी दवाई का नाम है दोस्तों कैरिका पपाया मदर टिंचर। दोनों की 30-30 ml की CC आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, जैसा भी आपका बजट आपको अलाउ करता हो। SBL की ले सकते हैं या मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, एडविन है, जिस कंपनी के आपको आसानी से मिल जाए, उन चारों दवाइयों की 30-30 ml की CC लेके एक बड़ी बोतल में आपने मिला लेनी है। और खाना खाने के बाद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 15 से 20 बूंदे आधे कप ताज़े पानी में आप लेंगे, और ये दवाई कम से कम 2 से 3 महीना आपको लेनी है लगातार। और दोस्तों खाने से पहले एक मैं आपको सिरप बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सिरप है, जोंडीला सिरप, शुगर फ्री लेना है वो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप नॉर्मल सिरप भी ले सकते हैं। उसकी 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले, जो जोंडीला सिरप है उसकी 1-1 चम्मच आधे कप ताज़े पानी में खाना खाने से पहले, कम से कम आधा घंटा पहले। और ये जो बाकी मैंने मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन बताया है, ये खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद कम से कम, और आधे कप ताजे पानी में 15 से 20 बूंदे आप लेंगे। इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन को आप कम से कम 2 से 3 महीना लें, आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद आपको इन दवाइयों का असर दिखने लगेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मुताबिक किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम। और जिस तरीके से ये मैंने जो आज वीडियो बनाई है, ये एक पेशेंट है, उन्होंने हमें कमेंट्स किया था कि इस तरीके की वीडियो
बनाएं जिन पेशेंट को ऐसी ऐसी समस्याएं रहती हैं, तो हमने वो वीडियो आज तैयार किया। धन्यवाद दोस्तों।